लोगों के साथ अपना स्टोर क्लीनिंग का जो वीडियो शेयर किया था, उसमें आप लोगों ने देखा था ना कि मशीन जो है मैंने चेयर पे रख रखी थी। हुआ क्या कि मुझे वो मशीन बाहर निकालनी थी और मैंने चेयर को उठाया, तो जैसे ही चेयर को उठाया तो मशीन उसमें से फिसल के गिर गई। हालांकि जो ग्रिप बनती है वो मशीन की बहुत अच्छी बनती है, गिरती नहीं है, और मेरे से तो आज तक नहीं गिरी थी, लेकिन बहुत बुरी तरह ये मेरी मशीन गिरी, पुरानी वाली देखिए, और इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए, जो बाहर निकले रहते हैं वो भी, और खुल के ये बहुत बुरी तरीके से पड़ी बहुत दूर जाके। मैंने सब कलेक्ट करके इसके पार्ट्स रख लिए हैं, कोशिश करूँगी सही करवा सकूँ इसको। तो क्योंकि इसकी बहुत तेज आवाज़ हुई थी तो करण शानू दोनों आ गए थे, बोल रहे थे क्या हुआ मम्मी, तो मैंने बताया, तो दोनों ने ही मुझे कहा कि चलो अब नई मशीन ही ले लो आप, बहुत दिनों से बोल भी रहे थे कि सब फ्रेंड्स आपकी बोल रही हैं नई मशीन के लिए। तो मैंने नई मशीन खरीदी, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट में मैं नहीं गई हूँ बिल्कुल कुछ सामान खरीदने से, मशीन वगैरह वैसे तो मैं गई हूँ कुछ एक दो काम जो मेरे थे, तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है स्विंग मशीन के वो मेरे घर के आसपास ही रहते हैं, तो मुझे उनका नाम तो पता था बट उनका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था। जस्ट डायल से मैंने उनका नंबर लिया, उन्हें कॉन्टैक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे होम डिलीवरी दे सकें मशीन की, बट उन्होंने बोला कि आप घर से उठा लो, मेरी वाइफ हैं तो आप वहाँ से ले लो। तो मैं और कर्ण दोनों गए वहाँ पे, बड़ा वाला बेटा, और हम ये मशीन लेकर आ गए। तो बड़ी खुशी हुई इस मशीन को लाने के बाद, और बड़ी सिंपल सी है ये मेरी मशीन, अभी आपको दिखाती हूँ ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो मैंने ये मशीन ली, ये मैंने पहले ही सर्च कर रखी थी, नेट पे देख रखी थी कि कौन सा ब्रांड है, मुझे कौन सी लेनी है। तो मैंने जो मशीन ली उसका ब्रांड है सिंगर और उसका मॉडल है मैग्ना। और भी सारे मॉडल की मशीनें अवेलेबल थीं, जैसे सुजाता है, खेतान है, ऊषा है, नैना है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और वो भी मशीनें थीं, लेकिन एक्चुअली वो मशीनें उनके घर पे नहीं थी, तो घर पे उनके पास केवल सिंगर का मॉडल था, तो इसे मैंने ले लिया। और इसका जो प्राइस है वो है 3200 रुपीज़, और जो दूसरे मॉडल हैं उनका जो प्राइस था और इनके प्राइस में करीब 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपये का डिफरेंस है। तो जो ये एक मशीन होती है, जो बेसिक मशीन होती है, ये अगर आप दूसरे ब्रांड्स की भी लो तो कोई बुराई नहीं है, जो भी ब्रांड का आपका मन हो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि जल्दी से ये ख़राब नहीं होती हैं, और वैसे कोई पीस ख़राब निकल जाए तो अलग ही बात है। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, और कि अगर आप बेसिक मॉडल ले रहे हैं तो देखिए, अनबॉक्सिंग करी मशीन की और ये था कवर और इसका बेस। तो जब मशीन आएंगी तो वो कवर और बेस के साथ आती हैं। मैंने लिया है कवर वाला मॉडल, और अगर आप विदाउट कवर वाला मॉडल भी लेना चाहते हैं सिंगर का ही, तो उसका प्राइस इससे 250 रुपये कम है। वैसे मार्केट में ये तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे दिया है ये प्राइस, हो सकता है मार्केट में आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली भी मिले, तो कवर काफ़ी अच्छा रहता है, तो बेस जिसके ऊपर मशीन रहती है। तो अगर आप कोई भी मॉडल लें, कोई भी मशीन लें, तो आप ज़रूर ये चेक कर लें कि उसके साथ बेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कवर है कि नहीं है, और प्राइस क्या है। कवर से फ़ायदा ये रहता है कि इसको कैरी करना बहुत आसान रहता है, और अब ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी मेरे हाथ से। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने जो मशीन ली है ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल सिलाई मशीन है, इसमें कोई मोटर वगैरह भी नहीं लगी हुई है। और अगर आप खरीदना चाहते हैं मशीन, किसी भी ब्रांड की खरीदिए, और घर के कामों के लिए अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सादा सिंपल आप सिलाई मशीन लीजिए। मैंने इतनी सिलाई करी है और सारी बिल्कुल इसी सिंपल मशीन में ही करी है, और बहुत अच्छे से इसमें सिलाई हो जाती है, और आपके घर के जितने भी काम हैं वो सब आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने उनसे पूछा था कि जैसे आप लोग बोल रहे थे कि कढ़ाई वाली मशीन या पीको हो जाए वो वाली मशीन, तो जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने भी मना किया, और वैसे भी क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस अच्छा था तो मैंने यही बिल्कुल बेसिक मशीन जो है सिलाई मशीन ली है। इसके साथ जो चीज़ें आती हैं उसमें देखिए, एक छोटा सा बॉक्स इसके साथ आपको मिलेगा, और इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें एक छोटी सी ऑयलिंग के लिए एक ये एक बनी एक शीशी आती है, इससे आप ऑयलिंग कर सकते हैं, सुई में धागा डालने का, मशीन की सुइयां, इंची टेप और ये पेंचकस वगैरह आते हैं। ऑयलिंग करने के लिए मशीन में छेद वगैरह बने होते हैं, तो इसमें आप ऑयल डाल सकते हैं। इसकी जो कुप्पी सी आई है इसमें ऑयल रहता है, थोड़ा सा ऑयल इसमें आया है। और जब आप इसे सिलना इसमें शुरू करें नई मशीन में खासकर, तो आप इसमें तेल डाल के धूप में इसे कुछ एक दिन के लिए तो रख दीजिए धूप में,
और तब उस पर सिलाई शुरू करिए, और इसमें है 2 साल की वारंटी। तो देखिए बिल्कुल सादा सिंपल मशीन मैंने खरीदी है और इससे सारे काम होंगे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी सादा सिंपल मशीन खरीदिए। और इसका रखरखाव कैसे होगा, कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो अब आपको एक और दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो या आपके जो कमेंट या क्वेश्चंस थे उनका आंसर आपको मिल गया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे सिलाई के वीडियोज़ के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।